बेस्ट आईक्यू स्मार्टफोन अंडर 50,000 या मैं बात कहूं 40,000, क्योंकि दोस्तों मुझे काफी सारे दोस्तों के कमेंट आ रहे थे कि भाई आईक्यू नियो 9 प्रो वर्सेस आईक्यू 12 स्मार्टफोन का कंपैरिजन करके बताओ और बताओ कि हमें इन दोनों स्मार्टफोन में से एक स्मार्टफोन खरीदना हो तो वो कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहिए या कौन सा स्मार्टफोन हमारे लिए बेस्ट साबित हो सकता है। तो दोस्तों आपकी डिमांड पर मैं आपके स्पेक्स बेस पर कंपैरिजन लेकर आया हूं, जिसमें हमारे पास होगा IQ Neo 9 Pro वर्सेस IQ 12। दोनों स्मार्टफोन की प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा डिफरेंस देखने में जाता है अप्रोक्स 10 से 12 हजार का, जिसमें IQ 12 हमें देखने में जाता है अप्रोक्स 50,000। दूसरी तरफ IQ Neo 9 Pro की बात करूं तो ये अप्रोक्स 35 to 40,000 के बीच में देखने में जाता है। तो अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते एंड चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोनों स्मार्टफोन की प्राइसिंग दोस्तों मैंने आपको बता ही दी, चलिए शुरुआत करते हैं दोनों स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन से। और स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो दोनों स्मार्टफोन की सबसे जो तगड़ी चीज देखने में जाती है आई मीन दोनों स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस, वहां से हम शुरुआत करेंगे। देखो यार, अगर मैं दोनों स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की बात करूं ना तो दोनों ही स्मार्टफोन अपनी प्राइसिंग के बेहतरीन गेमिंग स्मार्टफोन है। जैसे IQ Neo 9 Pro 5G स्मार्टफोन की बात करूं तो ये स्मार्टफोन में देखा जाता है स्नैपड्रैगन के 8 Gen 2 चिपसेट के साथ, जिसमें एंड्रॉइड 14 के साथ जो स्मार्टफोन आता है और स्टोरेज बात करूं तो UFS 4.0 की स्टोरेज टाइप देखी जाती है। काफी फास्ट है स्मार्टफोन, गेमिंग में काफी अच्छा है, हाई एंड गेमिंग आप कर सकते हो, हाई ग्राफिक्स पर इजिली आप जा सकते हो, आपको वहां पर कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ IQ 12 की बात करूं तो यहां पर स्नैपड्रैगन का 8 Gen 3 चिपसेट देखने में जाता है, जो कि इसके प्राइसिंग के हिसाब से अगेन काफी तगड़ा है। स्टोरेज टाइप की बात करूं तो यहां पर भी UFS 4.0 की स्टोरेज टाइप देखने में जाती है, एंड्रॉइड 14 के साथ ही ये स्मार्टफोन आता है एंड काफी तगड़ी यहां पर गेमिंग परफॉर्मेंस आपको देखने में जाती है। ऐप ओपनिंग स्पीड भी दोनों ही स्मार्टफोन में काफी तगड़ी देखने में जाती है। वैसे अगर मैं दोनों स्मार्टफोन के इंटरटू बेंचमार्क स्कोर दिखाऊं तो आप हमारे डिस्प्ले पर देख सकते हो, यह एक तरफ स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 का इंटरटू बेंचमार्क स्कोर एंड दूसरी तरफ स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 का इंटरटू बेंचमार्क स्कोर, दोनों में ही आप डिफरेंस देख सकते हो। नो डाउट हमें इजिली पता चल जाता है कि जो IQ 12 है आई मीन जो स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 है वो थोड़ा ज्यादा पावरफुल है स्नैपड्रैगन के 8 Gen 2 से, और आपको जो गेमिंग जो परफॉर्मेंस आपको बेटर मिलेगी वो IQ के 12 में अच्छी देखने मिलेगी। लेकिन दोस्तों एक चीज बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपको IQ 12 में बेहतरीन गेमिंग मिल रही है तो IQ Neo 9 Pro में खराब परफॉर्मेंस देखने मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर चूंकि हम दोनों की ही यहां पर कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमें एक स्मार्टफोन चूज करना होता है, इसीलिए यहां पर मैं बता रहा हूं दोनों में से IQ 12 की परफॉर्मेंस आपको अच्छी देखने जाएगी। सेकंडली अगर मैं कैमरे की बात करता हूं तो IQ Neo 9 Pro हमें देखने जाता है डुअल रियर कैमरा के साथ, जहां पर 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा है, जहां पर सोनी के लेंस यूज किए गए हैं IMX920, सेकेंडरी 8 मेगापिक्सल लेंस है, सेल्फी की बात को 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने जाती है, 4K वीडियो क्वालिटी का आपको रियर कैमरा में ऑप्शन देखने जाता है, लेकिन सेल्फी की बात को तो वहां पर सिर्फ आप 1080p में ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। जबकि इसके उलट में IQ 12 की बात को तो यहां पर आपको बहुत सारे फीचर्स देखने जाते हैं, जैसे 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा, सेकेंडरी आपको 64 मेगापिक्सल देखने जाते हैं एंड थर्ड यहां पर अगेन 50 मेगापिक्सल कैमरा देखने जाता है, यहाँ पर 100x जूम आपको देखने जाता है, यहाँ पर पेरिस्कोप लेंस आपको देखने जाता है, 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है, 8K 4K वीडियो रिकॉर्ड आप इसके रियर कैमरा में कर सकते हो। हाँ, सेल्फी में भी यहाँ पर बेसिक 1080p का ही वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन देखने जाता है। दोनों स्मार्टफोन के मैं कुछ कैमरा सैंपल्स आपको दिखा देता हूँ डिस्प्ले पर, जिससे कि आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी दोनों स्मार्टफोन की कैमरा क्वालिटी को जानने में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, नो डाउट यहाँ पर हालांकि IQ Neo 9 Pro का भी जो कैमरा काफी अच्छा देखने जाता है, चाहे दोस्तों मैं बात करूँ सेल्फी की या बात करूँ रियर कैमरा की या बात करूं वीडियो क्वालिटी की, लेकिन अगर हम दोनों स्मार्टफोन को कंपेयर करते हैं तो नो डाउट यार IQ 12 है ना थोड़ा बेटर परफॉर्म हमें करता हुआ देखा जाता है। IQ 12 की जो कैमरा क्वालिटी है और वीडियो क्वालिटी हमें थोड़ी ही बेटर यहां पर देखने में जाती है। तो अगर आपको इन दोनों स्मार्टफोन में से कैमरा के लिए एक स्मार्टफोन चाहिए था तो नो डाउट यार IQ 12 है ना वो थोड़ा बेटर परफॉर्म हमें करता हुआ देखने जाता है। डिस्प्ले की यहां पर मैं बात करता हूं तो IQ Neo 9 Pro हमें देखने जाता है मिड कंसोल डिस्प्ले के साथ, जहां पर LTPO OLED डिस्प्ले है, 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, 1400 की पीक ब्राइटनेस देखने जाती है। बैक में यहाँ पर आते हो तो वीगन लेदर देखने जाता है, ड्यूल कैमरा सेटअप देखने जाता है, थोड़ा बॉक्सी डिजाइन यहाँ पर जरूर दिया गया है और बाकी हैंडसोन फील रहती है स्मार्टफोन की भाई काफी तगड़ी रहती है। अगर मैं इस स्मार्टफोन को कंपेयर करता हूँ इस सीरीज के प्रीवियस स्मार्टफोन से तो मैं कहूंगा हाँ लुक एंड डिजाइन वाइज यहाँ पर काफी अच्छे खासे अपग्रेडेशन जो किए गए हैं। जबकि बात करता हूँ IQ 12 की तो भाई ये तो एक प्रीमियम लेवल का ही स्मार्टफोन हो जाता है। रियर साइड का डिजाइन नो डाउट यार काफी तगड़ा देखने जाता है, ग्लोज डिजाइन देखने जाता है, कैमरा मॉड्यूल है वो भी यहाँ पर आपको काफी अच्छा देखने मिलता है और फ्रंट साइड में आता हूं तो अगेन मिड कंसोल डिस्प्ले यहाँ पर देखने को मिल जाती है, LTPO AMOLED डिस्प्ले देखने को जाती है। यहाँ पर अगर मैं पीक ब्राइटनेस की बात करूं तो अप्रोक्स 3000 nits की पीक ब्राइटनेस देखने को जाती है, बेजल्स हैं यहाँ पर भी काफी अच्छे देखने को जाते हैं। देखो यार बेजल्स वाइज तो बात करूं दोनों स्मार्टफोन काफी कम बेजल्स के साथ आते हैं, कलर्स की बात करूं दोनों ही स्मार्टफोन में कलर्स हैं, डिस्प्ले काफी अच्छे देखने को जाते हैं, स्पीकर्स क्वालिटी की वो भी काफी अच्छी देखने को जाती है। लेकिन अगर हमें इनमें से एक स्मार्टफोन चूज करना हो डिस्प्ले के कलर्स वाइज या ब्राइटनेस वाइज तो
नोट आउट IQ 12 की भाई आउटडोर विजिबिलिटी आपको थोड़ी बेटर देखने में जाएगी। डायरेक्ट सनलाइट में ले जाते हो तो वहां पर भी आपको IQ 12 की डिस्प्ले है थोड़ी ज्यादा ब्राइट आपको नजर आती है। और दूसरी बात कलर्स वगैरह की बात हूं तो वो भी थोड़े बेटर आपको देखने को मिल जाते हैं IQ 12 के अंदर। लास्ट एंड फाइनली अगर मैं बैटरी की बात करता हूं दोस्तों, दोनों स्मार्टफोन 5000mAh की बैटरी के साथ आते हैं और दोनों स्मार्टफोन में 120W के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ मिल जाते हैं। तो नो डाउट यहां पर हमें दोनों ही स्मार्टफोन एक जैसे देखने जाते हैं। तो ये थे दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के बारे में हर एक स्पेक्स जो कि मैंने आपको बताया। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के बारे में कि अगर हमें दोनों स्मार्टफोन से एक स्मार्टफोन खरीदना हो तो वो कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहिए। देखो यार नो डाउट वैसे तो दोनों स्मार्टफोन बेहतरीन है अपनी अपनी प्राइसिंग में। IQ 12 की बात हो तो अंडर 50,000 ये स्मार्टफोन बेस्ट देखने जाता है, लेकिन IQ Neo 9 Pro की बात हो तो अंडर 35,000 ये स्मार्टफोन में बेस्ट देखने को मिल जाता है। लेकिन चूंकि हमने इन दोनों स्मार्टफोन का कंपैरिजन किया है और इन दोनों स्मार्टफोन में से हमें एक स्मार्टफोन चूज करना था तो नो डाउट IQ 12 स्मार्टफोन में काफी बेहतरीन देखने जाता है, चाहे डिस्प्ले एंड डिजाइन की बात हो या मैं बात करता हूँ स्मार्टफोन की कैमरा की या बात करता हूँ स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की। तो ये था दोस्तों दोनों स्मार्टफोन का कंपैरिजन। कैसे लगी आपको वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। जय दोस्तों।